सामाजिक सरोकार से भरपूर देश प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों से करेंगे आपको रूबरू। आइए रुक करते हैं आज के खबरों की ओर आपके अंदाज में। ताज़ा अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आजमगढ़ राष्ट्रीय पोषण दिवस पर मार्टिनगंज में निकाली गई रैली। CDPO सुनील कुमार मार्टिनगंज के नेतृत्व में राष्ट्रीय पोषण माह दिवस पर आंगनबाड़ी रैली के माध्यम से किया गया जागरूक। मार्टिनगंज में 9 सितंबर को आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा जबरदस्त रैली निकालकर जागरूकता के लिए प्रेरित किया गया, जिसमें SDM मार्टिनगंज द्वारा हरी झंडी दिखाकर 11 बजे रवाना किया गया। तत्पश्चात बाल विकास परियोजना अधिकारी मार्टिनगंज सुनील कुमार के नेतृत्व में मार्टिनगंज बनगांव यात्रा निकालकर जागरूक किया। हेमलता गुप्ता ने बताया कि 1 सितंबर से आजमगढ़ कार्यक्रम किया जा रहा है, जगह जगह रैली रंगोली के माध्यम से जागरूक किया जा रहा है। इस अवसर पर सुपरवाइजर मंजू सिंह, राधिका यादव, प्रमिला, मनीता, गुंजा, हेमलता कई आंगनबाड़ी मौजूद रही। आज देखिए मंगल मिश्रा की खास रिपोर्ट। राष्ट्रीय पोषण का माह चल रहा है जी सर, और आप CDPO साहब हैं जी, हम आंगनबाड़ी कार्यकर्ती यहाँ दिखाई दे रहे हैं, क्या है इसमें, क्या है बताने की बात है सर? इसमें है कि पोषण माह हमारा 1 तारीख से लेकर 30 सितंबर तक चल रहा है। इसमें हम आंगनबाड़ी तहनों और इसमें कर्मचर विभाग, जैसे मतलब पंचायती राज विभाग और जैसे शिक्षा विभाग, बाल विकास जागरूक किस लिए किया जा रहा है? इसलिए किया जा रहा है कि सारा विभाग मिल करके, कन्वर्जेंस विभाग मिल करके इसमें जो है कि कुपोषित बच्चे और हमारी एनिमी जो हमारी गर्भवती हैं, हमारे जो एनिमी है जिनका सुधार की आवश्यकता है, हम सभी लोग टीम की भावना से मिलकर उनकी हम लोग जो है कि बेचंदी सर या ये पोषण माह में उनका हम लोग चेकअप करेंगे, उनको हम लोग जाँच करेंगे। जाँच के दौरान जो कमियाँ पाई जाएगी उसको हम स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से लेकर उसको हम आपका नाम पर मेरा नाम है बाल विकास अधिकारी है और यहाँ बहुत बड़ी काफ़ी संख्या में रैली आपको निकली, किस विषय पर निकली? ये पोषण माह रैली है सितंबर माह में, जो कि 1 महीने के लिए चलता है ये कार्यक्रम, उसी बाबत में ये निकला है। आपका शुभ नाम? हमारा शुभ नाम हेमा गुप्ता, आजमगढ़ जिला। ये जागरूक किस पे किया जा रहा, क्या कुपोषण क्या? कुपोषण जो जैसे कि एनेमिक बच्चे होते हैं, एनेमिक महिलाएं होती हैं, कुपोषित बच्चे होते हैं, जिनको लेकर के सरकार बहुत सेंसिटिव है, इसी को दूर करने के लिए ये विभाग ये जो कि रैलियाँ निकाली जा रही है। और हम लोग अपने स्तर पर अपने गांव में जा जा करके, चाहे वो रंगोली के माध्यम से या किसी भी चीज़ के माध्यम से, चार्ट के माध्यम से, हम लोग बच्चों को, महिलाओं को जागरूक कर रहे हैं कि उन्हें क्या खाना चाहिए, कैसी कैसे पोषण उनको मिलेगा, हर चीज़ पर हम लोग चर्चा करते हैं। आपके नेतृत्व में यहाँ SDM साहब ने हरी झंडी दिखाया, कितनी आंगनबाड़ी बहनें होंगी यहाँ? हमारी आंगनबाड़ी 27 बहनें हैं। अच्छा, सब लोग कहाँ तक जाएंगे आप? बस हम लोग का, हम लोग तहसील से आ रहे हैं और हम लोग ब्लॉक तक हमारा संपन्न होगा। शुभ नाम? PP News 24/7